बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी हबीबा डार एंड वेलकम टू माय चैनल। एक छोटी सारी मिस्टेक जिसकी वजह से तकरीबन 50,000 प्लस की जो इनकम है यूट्यूब, वो मुझे यूट्यूब की तरफ से रिसीव नहीं हुई। यूट्यूब ने सीधा सीधा कह दिया जी आपने ये छोटी सारी मिस्टेक की है और इसका आपको जो समझे कि रिवार्ड मिलने वाला है, सज़ा मिलने वाली है बदले में, वो इतनी बड़ी होगी कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी और आप अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करेंगे। जो व्यूवर्स आपके चैनल के साथ इन टच हैं उनको भी जो है ना पता चल जाएगा कि आइंदा से ये मिस्टेक नहीं करनी। बेसिकली मैं इसको गलती भी नहीं कह सकती, समझे कि मैं अपनी थोड़ी लापरवाही कह सकती हूँ कि छोटी सी मैंने लापरवाही की जिसकी वजह से तकरीबन 50,000 प्लस की जो इनकम है मुझे यूट्यूब ने देने से सीधा सीधा इनकार कर दिया। अब हम बात करते हैं जी वो कौन सी लापरवाही थी, वो कौन सी मिस्टेक थी। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शो हो रहा है, आप इसमें देखेंगे मेरे जो व्यूज़ आपको शो हो रहे हैं स्क्रीनशॉट में, वो ऑलमोस्ट 6.5 लाख रफली जो है ना वो शो हो रहे हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड जो है ना नोटिफिकेशन शो हो रहा है, आप उसमें देखें कि मुझे जो 14 तारीख तक अर्निंग दी गई है वो कितनी दी गई है, $0। ठीक है, कोई भी अर्निंग नहीं दी गई 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक। हालांकि अगर पिछला जो है आप स्क्रीनशॉट देखें उसी मंथ के व्यूज़ का, तो अच्छे खासे व्यूज़ मुझे आए हैं उन 14 दिन में। यूट्यूब ने मुझे वो 14 दिन की इनकम क्यों नहीं दी, हालांकि अगर मैं उनको काउंट करूँ तो रफली 50,000 जो है ना वो अमाउंट बनती है, 50,000 समथिंग बनती है। कैसे पता चलता है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, व्यूज़ की बेस पे हमें पता चल जाता है कि कितनी अर्निंग होती है, डिटेल में वीडियो दे चुकी हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें कि मैंने गलती क्या की थी, कम अगस्त को मेरा जो चैनल है वो उस पर फर्स्ट वाली वीडियो वायरल होती है और उसके बाद 3-4 दिन में मेरे 1,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए, लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया। लेकिन ये कि मैंने थोड़ी सी लापरवाही की, मैंने किया क्या कि मैं छुट्टी मिली, मैंने उस दिन खोला अपना यूट्यूब और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, उस वक्त मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट 15,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे और मतलब कि जो व्यूज़ हैं वो भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद 15 तारीख को रात को 12 बजे के राउंड अबाउट मुझे जो है नोटिफिकेशन आता है कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो चुका है। उसके बाद जब मुझे अर्निंग स्टार्ट हुई और मैं इस खुश फैमिली में थी कि मेरी जो अर्निंग है वो 1 अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो एटलीस्ट मेरा जो चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो चुका था वो 3-4 अगस्त को हो चुका था। तो मतलब कि बड़ी भी हुई तो मुझे 4 अगस्त से लेकर सारा जो महीना उसकी अर्निंग यूट्यूब अब देगा। लेकिन जैसे ही मेरा रेवेन्यू शो हुआ और मैं देख के बिल्कुल शॉक हो गई कि यूट्यूब ने जो है ना मुझे फर्स्ट 14 डेज़ की इनकम दी ही नहीं। क्यों नहीं दी, YouTube ने कहा जी चाहे आपके जितने मर्ज़ी सब्सक्राइबर हो जाएं, जितने मर्ज़ी व्यूज़ हो जाएं, जितनी मर्ज़ी आपको लगे कि हमारी अर्निंग बन चुकी है, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको जो है वो अर्निंग नहीं मिलेगी, वो अर्निंग हमारे पास ही रहेगी। मतलब ये कि छोटी सी लापरवाही, छोटी सी मिस्टेक की वजह से मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ जिसकी वजह से मेरी जो है ना मज़ीद इनकम कट हुई। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ही आपके 1100 सब्सक्राइबर हों और इसके अलावा कोई 4200-4300 वॉच टाइम हो तो फिर फ़ौरन से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दें। 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम पे भी अप्लाई ना करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप जो है ना बिल्कुल 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच टाइम पे अप्लाई करेंगे तो कोई वीडियो अगर अंदर से आपकी रिजेक्ट हो जाती है, मोनेटाइजेशन के लिए इन एलिजिबल हो जाती है, कोई मिस्टेक आपके चैनल पे निकल आती है तो फिर आपका चैनल वापस आ जाता है जी, दोबारा से आपको जो है ना वो वीडियो डिलीट कर दी जाती है, मतलब कि डीमोनेटाइजेशन का आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें चेंजिंग करें, ये करें, वो करें, फिर दोबारा अप्लाई करें। तो आप थोड़ा सा हौसला रखें, 1100 सब्सक्राइबर हो जाएं और इसके अलावा 4300 ऑलमोस्ट वॉच टाइम हो जाए फिर अप्लाई करें। अगर अल्लाह ना करे कोई एक आध वीडियो अंदर से ऐसी आ जाती है जो आपकी YouTube रिजेक्ट कर देता है, उसका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर अंदर से माइनस कर देता है, तो बाकी इतना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर आपका हो कि आपको दोबारा से अप्लाई ना करना पड़े, फ़ौरन से जो चैनल है वो मोनेटाइज हो के फिर ही आपके पास आए। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे सेकंड वाला नोटिफिकेशन जिसकी मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। हालांकि ये मेरी जो गलती है वो भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, ये बहुत सारे यूट्यूबर ने इस तरह की वीडियोज़ बनाई थी,
हुआ ये था कि मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से YouTube पे वीडियोस अपलोड कर सकते हो दूसरों के उठा के, और उनमें किस तरह से एडिटिंग वगैरह करके और जो है ना उसको मोनेटाइजेशन के लिए काबिल बना सकते हो। हालांकि YouTube ये चीज़ खुद अलाउ करता है कि अगर आप किसी का कंटेंट थोड़ा यूज़ करके उस पर वॉइस ओवर वगैरह करके उसको एडिट वगैरह करके, मतलब कि जो तरीका मैंने बताया था बिल्कुल सेम तरीका जो है YouTube हालांकि अलाउ करता है कि आप इस तरह से चैनल बना सकते हो, मोनेटाइज करवा सकते हो। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मोनेटाइज भी हुए हैं और आपके साथ मैं शेयर भी करती रहती हूँ। मेरे से गलती क्या हुई थी, मेरे से एक छोटी सी गलती हुई थी। मैंने क्या किया था, मैंने टाइटल सही नहीं था लिखा। टाइटल में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, वहाँ पे मैंने लिख दिया था कि डाउनलोड फ्रॉम यूट्यूब एंड अपलोड ऑन यूट्यूब। आप यहाँ पे साइड पे देख भी सकते हैं, तो यूट्यूब ने सिर्फ यही चीज़ देखे कि आपने जो है ना अपनी ऑडियंस को ये कहा कि आप यूट्यूब से डाउनलोड करो और यूट्यूब पे ही अपलोड कर दो, तो ये चीज़ ऑडियंस को जो है ना वो मिसगाइड कर रही है और वो अपना कंटेंट क्रिएट नहीं करेंगे, दूसरों का कंटेंट उठा उठा कर यूट्यूब पे डालेंगे। तो इसी वजह से हमने आपकी जो वीडियो है ना वो डिलीट कर दी है। मुझे जो इस पर अर्निंग हुई, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर वाले निशान पर, आपको ये नोटिफिकेशन में डॉलर वाले निशान पर लाइन लगी नज़र आ रही है, मुझे इस पर अर्निंग हुई थी, वो भी सारी इन्होंने मेरी टोटल इनकम में से निकाल ली। तो आपके चैनल पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट इशू आते हैं और उसके बाद आपकी इनकम कम हो जाए, व्यूज़ कम हो जाए, तो उसकी रीज़न भी यही है कि आपकी जो वीडियो जिस पर स्ट्राइक आई है या फिर क्लेम आया है उसकी जो अंदर से व्यूज़ होंगे और इसकी जो अर्निंग होगी वो YouTube डिडक्ट कर लेगा, आपको नहीं देगा। तो ये थी जी छोटी सारी मिस्टेक जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली कि तकरीबन 50,000 प्लस का मुझे नुकसान हुआ, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूं ताकि आप जो है ना इन फ्यूचर बच सकें इन मिस्टेक से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। हॉस्टल में बैठ के मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, क्वालिटी जिस तरह की भी हो आप एक्सेप्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।